गति सीमा 80 शब्द प्रति मिनट, श्रुति लेखावधि 5 मिनट की, सुरो महोदय हम इस सिद्धांत पर चलते हैं कि स्त्री और पुरुष सभी को बराबर का अधिकार है। अधिकार तो है, लेकिन अधिकार होने के बावजूद भी उनको आगे बढ़ने का पूरा मौका नहीं मिलता। प्रत्येक व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए कि वह आगे बढ़ सके, उन्नति कर सके, जितनी कि उसमें योग्यता हो। यदि कोई योग्य भी हो तो उसको मौका नहीं मिलता है। पहले तो पढ़ने लिखने से और हर तरह से भी वह मौका मिलता है। इस बात को ध्यान में रख कर ही आप लोगों को अपनी उन्नति करनी चाहिए। आपके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। आगे बढ़ने का आशय केवल अधिक कमाना ही नहीं है, हालांकि कमाना भी उसका एक हिस्सा है, लेकिन आपका रहन सहन ऐसे ढंग का हो कि आप हर पैसे को कर सके। कोई कारण नहीं है कि आप खानदानी पैसे को ही अपनाएं। जो खानदानी पैसे हैं वे बदलते रहते हैं। पैरा सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपका रहने का घर ठीक हो और उसके बाद पढ़ाई हो। यदि ये बातें हों तो धीरे धीरे आपका सारा ढंग बदल जाएगा। आप भी दिल्ली के नागरिक हों जिनकी हर जगह मान्यता हों, क्योंकि आप भी बहुत जरूरी काम करते हैं। यह न हो कि आप लोगों को कम समझा जाए और आप लोगों की फिक्र न की जाए। यह तो हम गलती करेंगे। हमें इस देश को आगे बढ़ाना है। हमें इस देश को एक ऊंचा देश बनाना है। यहाँ के रहने वाले सब लोग भी ऊंचे माने जाए। कोई व्यक्ति छोटा न कहलाए। यहाँ जो हमारे परिवार अलग अलग हैं, उन्हें अलग रहने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग पढ़ लिख कर तरक्की करें और आगे ही बढ़ते जाएं। सफाई का काम भी ऐसा है जिसे विभिन्न प्रकार से विज्ञान के द्वारा किया जा सकता है। वह पुराने ढंग से नहीं होना चाहिए। सफाई का काम सफाई से हो सकता है। सफाई से काम किया जाए तो गंदगी कहीं पर नहीं रहेगी। मुझे बहुत दुख होता है कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए 70 साल हो गए हैं। इस समय में हमने बहुत काम किए हैं और बड़े बड़े कारखाने खोले गए। खेती पर भी अधिक ध्यान दिया गया और उसमें सुधार भी आए, लेकिन कमजोर वर्ग पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। या हम इस बारे में कुछ कर नहीं
पाई हैं। संपूर्ण विराम।